गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट हम लोग जो है मैथ्स में चल रहे थे, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑफ रेशनल, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स में ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें वर्कशीट वन का हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर होता है। हम लोग इसमें यही सीखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें हम लोग वर्कशीट वन का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। चलिए वर्कशीट वन, क्वेश्चन 4 से हम लोग को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोगों को करना है। पेज नंबर 26 है, पेज नंबर 26। अपना बुक निकाल लीजिए सब लोग, और पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्कशीट वन, ऑपरेशन, चैप्टर नेम ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वेरीफाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमको क्या करना है, हमको करना है वेरीफाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है, हम लोग को इसको वेरीफाई करना है। यहाँ एक्स और वाई और जेड का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4 प्लस वाई 5/6 प्लस -7/8 इक्वल टू एक्स 3/4 प्लस 5/6 प्लस -7/8। ओके, चलिए अब हम इसको कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले करेंगे, यानी कि 3/4, 3/4 प्लस 6 और 8, 6 और 8 का एलसीएम हम लोग लेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 24, 24, 6 4 या 24, 5 या 4, 20 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ -21 हो जाएगा। 8 से हम लोग 24 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 हो जाएगा, 3 से -7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 या -21। ठीक है, 4
फोर और सिक्स का एलसीएम क्या होगा? फोर और सिक्स का एलसीएम हम निकालेंगे, टू टू या फोर एक्स पी आई, टू इंटू थ्री बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, 12 दिन देंगे, सम ऑफ द रेशनल नंबर है। सम ऑफ द रेशनल नंबर्स, 4 से हम 12 में डिवाइड करेंगे, 3, 3 3 का 9, 9 प्लस 10 और प्लस माइनस 7 बाई 8, ठीक है, 3 बाई 4 प्लस 20 माइनस 21 बाई 24, कंप्लीट 19 बाई 12 प्लस 7 बाई 8। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 बाई 4 प्लस 20 में से माइनस 21 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 1 बाई 24 इसका टू 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, 12 टू जा 24, 38 प्लस 8 थ्री जा 24 और 7 माइनस 21, देखते हैं दोनों में, यहाँ 24 18 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 24 इक्वल टू 17 बाई 24 इक्वल टू 17 बाई 24, क्या हो गया? यस वेरीफाइड, ये क्या हो जाएगा? यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनएचएस बराबर आरएचएस दोनों हुआ, इट मींस दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से हम लोग किए, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग यस लिखेंगे और वेरीफाइड, ठीक है, यस वेरीफाइड। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सी हियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 2 है, देखिए 4 का 2, 4 का 2 है, जैसे हम लोग इसको वेरीफाई करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इसका टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है,
एक्स के जगह दिया हुआ है 2 by 3, वाई का वैल्यू -5 by 6 प्लस जेड का वैल्यू -7 by 9, एक्स का वैल्यू 2 by 3 प्लस और वाई का वैल्यू -5 by 6 प्लस -7 by 9, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे एलएचएस और आरएचएस, यानी दोनों सोल्व करेंगे, 2 by 3 प्लस यहाँ 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, सिक्स और नाइन का एलसीएम हो जाएगा 18, 6 3 18 -15 प्लस -14 इक्वल टू 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होगा और यहां पर 4 हो जाएगा प्लस -5 प्लस -7 by 9, 2 by 3 प्लस -15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 4 - 5 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस माइनस माइनस 7 by 9, यहाँ 2 by 3 यहाँ हो जाएगा प्लस, दोनों ऐड कर लेंगे 29 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1 by 6 -7 by 9, यहाँ 3 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी -17 by 17 दोनों इक्वल हुआ, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हुआ, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट 4 का 3 है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, चलिए हो गया। तो इधर देखिए 4 का 3, सेकेंड देखिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री, इसको वेरीफाई करना है। क्लियर कट यहाँ थ्री के तो पूरा दिख रहा है ना, थ्री का यहां से है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री है। फोर में थ्री, 12 by 90 यस, ये वेरीफाइड हो गया। चलिए फोर का थ्री यदि हो गया है, फोर का थ्री यदि हो गया है तो फोर का फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर का फोर, फोर का फोर है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3/5 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू -7/10 है, जेड का वैल्यू -8/15, और वही हम वैल्यू इधर भी -3/5 + -7/10 ये। अच्छा थ्री नहीं हुआ है, फिर से देख लीजिए, पहले थ्री कॉपी कर लीजिए, देखिए पहले थ्री, फोर का थ्री कॉपी कर लीजिए, उसके बाद चलिए यदि आपका फोर का थ्री हो गया तो फोर का फोर बनाइए, चलिए फोर का फोर, फोर का फोर है। चलिए
चलिए फोर का है, फोर कंप्लीट हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। फोर का फोर आप लोग कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में सिंपलीफाई, ओके सिंपलीफाई, -3/10 +12/-10 +14/10। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर सबका सेम है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर के पहले माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि -3/10 प्लस इसको माइनस को हम लोग -12/10 लिख सकते हैं, ठीक है, +14/10। जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको 10 करते सब जितना भी डिनोमिनेटर है सबको ऐड कर देगा, तो -3 + -12 + 14, यानी कि -3 ± ± ± और प्लस है, तो -12 - 3 दोनों को ऐड किए -15 हुआ और +14, -15 + 14 -1/10 योर आंसर। 5 का ये सिंप्लीफाई हो गया, चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है 5 का बी, चलिए सी एफ 5 का बी को सिंप्लीफाई करना है, -5/10 +6/13 +8/1, इसको हम लोग 13 और 1 कैंसिल, 13 हो जाएगा, 13 से 8 डिवाइड 6 +13 एट जा -5/10 +13, 10 और 13 कैंसिल कितना आ जाएगा 130, 10 से जब हम इसमें 130 में डिवाइड करेंगे तो
तो 13 आएगा, 13 जा 65 प्लस 110 इसका टू हो जाएगा 45 बाई 130, 45 बाई 130। यदि इसको हम लोग कटाएंगे तो 5 से कटेगा, 5 9 जा 5 9 बाई 20 6। देखिए यहाँ पर माइन है, -5/3 1 मिनट, यहाँ आ जाएगा 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 1100 हो जाएगा। ओके, 1100 से हम लोग को 65 माइनस कर देना होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1035/130। अब इसको हम लोग कटा देंगे, 5 से कटेगा, 5 10, 5 0 7, यानी कि 207 डिवाइडेड बाय 26, 207 डिवाइडेड बाय 26 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब इसको सोल्व कीजिएगा अपना होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन नंबर 7, 5 6 और 7 आप अपने से बना लेना। डू क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7 of worksheet 1, of worksheet 1 of TL 26, ठीक है। अच्छा B नहीं हुआ, B कॉपी कर लीजिए, B कॉपी कर लीजिए, B यदि नहीं हुआ है तो कॉपी कर लीजिए, और बाकी होमवर्क। चलिए 4 का 4 भी आप लोगों को देखना है। चलिए सब दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, 5 का A
और 5 का बी, और यहां होमवर्क हो गया सबका।